आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसमें बच्चे कुचे हुए बिस्किट, टूटे हुए बिस्किट का बहुत ही हम सही उपयोग करेंगे और उसे बहुत ही टेस्टी हम रेसिपी बनाएंगे। वो इतनी पसंद आएगी बच्चे और बड़े सभी को कि वो वापस से डिमांड करेंगे। तो करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेहत पसंद रेसिपीज में। तो यहाँ पर ये मैंने बिस्किट लिए हैं, ये कुछ टूटे फूटे से और बचे हुए बिस्किट रखे हैं। कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट या विदाउट चॉकलेटी बिस्किट, जैसे भी जो भी आपके पास रखे हैं वो ले लीजिए। इसे अब हम मिक्सर में पीसेंगे और जो बिस्किट टूटे हुए नहीं है उसे थोड़ा सा दो तीन टुकड़ों में तोड़ लें। और अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। काजू बादाम ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। ये यहाँ मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा इस तरीके से उनको काजू बादाम भी खिला दे, थोड़ा सा इसे हेल्दी कर दे, क्योंकि बच्चे ऐसे तो हम देते तो खाते नहीं है, इस तरीके से कुछ छिपा के हमें देना पड़ता है। तो ये देखिए अच्छे से इसका पाउडर कर लिया है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई शक्कर, क्योंकि ये टूटे फूटे बिस्किट से बना रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी अपने अंदाज से पीसी हुई शक्कर डाल लेंगे और थोड़ी बचा लेते हैं, बाद में टेस्ट करके फिर डालेंगे। और अब इसमें डाल देते हैं कोको पाउडर, तो यहाँ पे मैं अभी 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ और मिला लेते हैं इसे अच्छे से। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसमें शक्कर बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शक्कर कम लग रही है, तो बचा हुआ मैं पिसी हुई शक्कर भी डाल देती हूँ। और थोड़ा सा कोको पाउडर भी मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मुझे ये डार्क चाहिए। और इसमें अब मैं साथ ही में मिला रही हूँ हर्शिस का चॉकलेट सिरप। अगर आपके पास रखा है तो आप डालें, नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा और अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर के लिए मैंने डाला है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, दूध ज्यादा नहीं डालें, आप दूध बिल्कुल थोड़ा सा डालें, 1 चम्मच 2 चम्मच इतना ही डालें। अगर हमें और लगेगा तो फिर हम और डालेंगे। दूध यहाँ पे कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बार उबाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए। तो दूध यहाँ डाल दिया है, जैसे आटा हम लगाते हैं वैसे ही हम सभी चीज अच्छे से मिक्स करके और इसे अच्छे से इसका एक डो तैयार करना है हमको। बिल्कुल अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे, चिकना कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो गया है। जितना आपको दूध लगे उतना ही डालना है, ज्यादा नहीं लगता है, बहुत ही कम दूध में ये लग जाता है। तो इसे मैंने चिकना कर लिया है और साथ में मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी खसखस, थोड़े से स्प्रिंकल लिए हैं सिल्वर और कुछ कलरफुल। आप चाहे तो ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप खोपरे का बोरा भी ले सकते हैं या फिर सिंपल ही इसे बना सकते हैं। और अब हमें इन बिस्किट की बॉल्स बनानी है, तो यहाँ पर 1 चम्मच आप ले लीजिए इस तरीके से। ये क्या, इससे लेने से क्या होगा, सभी एक साइज की बॉल बनेगी, आप बिना के भी अंदाज से लेके बना सकते हैं। बस इस तरीके से इसका छोटा सा लड्डू बना लीजिए, फिर इसे खसखस में या खोपरे के बूरे में आप इसे लपेट लें और एक बार और इसे हथेली के बीच में रख के थोड़ा सा दबा लें जिससे अच्छे से ये लग जाए। तो ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे सुंदर सा बिस्किट का हमने कितना अच्छा बॉल बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है, बच्चे इसे खा भी लेते हैं बहुत ही चाव से। आपको रोकना पड़ेगा कि नहीं बस अब बस बहुत हो गया, बहुत खा लिया, ऐसा मेरे यहाँ तो बहुत होता है। इसी तरीके से हम एक और बॉल बना लेते हैं, इस पर ये स्प्रिंकल लगा लेते हैं। आप चाहे तो पूरी बॉल में स्प्रिंकल लगाए या फिर सिर्फ ऊपर जो ऊपर के हिस्से पे हल्का सा आप स्प्रिंकल लगा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस पे है। इसी तरीके से सिल्वर स्प्रिंकल भी आप इसे दूर दूर ऐसे लगा सकते हैं, जैसा आपको बनाना है बना सकते हैं। एक और मैं हार्ट शेप में आपको बताती हूँ, बॉल बनाइए, इसे हथेली में रख के हल्का सा दबाइए, चपटा कर लीजिए और फिर चम्मच के पीछे वाले हिस्से से हल्का सा बीच में से आप कट लगाइए और इस तरीके से आप इसका हार्ट शेप बना सकते हैं। इसे भी बस खसखस में या स्प्रिंकल में आप लपेट लें और आप चाहे तो इस तरीके से पीसी हुई शक्कर में भी आप इसे लपेट सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस पे कि आप कैसा बनाना चाहे, आप इसे चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और अगर आपके पास लॉलीपॉप स्टिक है तो आप इस तरीके से उसमें लगा लें। ये देखिए और कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से बिल्कुल आपके ये आइडियाज हैं किस तरीके से आप इसे और अच्छा जो है सुंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से ये आप टूटे फूटे और बचे हुए बिस्किट का यूज कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, आपके यहाँ सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर ऐसे किसी भी ओकेजन में बनाइए या फिर ऐसे ही खाइए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है ना साथ में वो जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।